तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है क्यूब क्राफ्ट स्काई ब्लॉक। एंड इसके अंदर मैंने लगाए हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले शेडर्स, जिससे मेरी गेम और भी ज्यादा खतरनाक बन गई है। एंड अगर आपको भी चाहिए वाले शेडर्स तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको भी खेलना है क्यूब क्राफ्ट स्काई ब्लॉक तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके जो माइनक्राफ्ट में सर्वर्स वाला सेक्शन है वहाँ पे चल जाना है। वहाँ पे आपको क्यूब क्राफ्ट करके एक सर्वर मिलेगा, उसको ज्वाइन करने के बाद आपको ये वाला जो स्काई ब्लॉक है वो खेल सकते हैं इजीली। तो अभी मैं स्पॉन हो चुका हूँ एकदम चमचमाते नए नवेले वर्ल्ड में हमारे स्काई ब्लॉक के। एंड यहाँ पर है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्री ऑन दिस आइलैंड, एंड हमारे पास है यहाँ पर शॉप, एंड इसके अंदर हमको और भी आइलैंड्स को अनलॉक। वेट व्हाट, ये आइलैंड अनलॉक हुआ कैसे? हमको ये बाद में अनलॉक करना रहता है, फर्स्ट हमारे सामने यहाँ पर एक रहता है एंड आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये है हमारी स्काई ब्लॉक की शॉप, यहाँ पर हम आइटम्स को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, हमारे क्वेस्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। एंड फर्स्ट क्वेस्ट है हमारा ओके, तो हमको चाहिए कुछ वुड की लॉग्स 10 चाहिए, तो हम फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। एंड हमारा जो क्वेस्ट है कुछ ऊपर देख सकते हो आप, इस तरह से कम्प्लीट होने वाला है, तो फटाफट से मैं डन कर देता हूँ इसको। अभी तो सिर्फ 3 वुड हुए, लॉग्स हुए, अभी और चाहिए 7, 8 ओके 9 हो गई, एंड लास्ट एक चाहिए, तो ये कलेक्ट कर लेता हूँ एंड हमारा क्वेस्ट हो जाएगा डन 100%। ओके तो ये मिल गया, क्वेस्ट कंप्लीट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 1 ओके, तो मतलब और भी कुछ पार्ट है इसके। तो पार्ट 2 में हमको क्राफ्टिंग टेबल को एक क्राफ्ट करना है, बट उससे पहले एक ट्रिक है, मतलब कुछ टिप्स है मेरी तरफ से आपको स्काई ब्लॉक के लिए। तो जो ऊपर की 2 डर्ट्स की लेयर है उनको आपको डिग करके, मतलब वो डर्ट को आपको कलेक्ट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा प्रो टिप है, मैंने मेरे फर्स्ट वाले वर्ल्ड में भी सेम ऐसे ही किया था, एंड भाई सही में बाद में आपको फ़ायदा पता चलेगा। तो फिलहाल मैंने फर्स्ट वाली जो लेयर है उसको हटा दिया है, एंड जो सेकंड वाली लेयर है उसके नीचे थर्ड वाली लेयर में मैं कुछ इस तरह से अपना जो पाथ है वो बनाने वाला हूँ, ताकि मैं अपने आइलैंड को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकूँ। एंड कुछ इसी तरह से मैं डर्ट लगाऊंगा, एंड सेकंड लेयर की भी और भी कलेक्ट होनी है, तो उससे हमारा आइलैंड इनफ बड़ा हो जाएगा। एंड जो बाकी की डर्ट हमको मिलेगी वो मिलेगी हमें सेकेंड आइलैंड से, एंड उस आइलैंड का चक्कर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, फटाफट से मैं सारी जो है लगा देता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके डन, मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेंड तो कर दिया है, बट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उससे पहले मैं जो मेरा क्वेस्ट है उसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो मुझको कुछ नहीं करना, बस एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना है एंड डन, क्वेस्ट कंप्लीटेड। एंड इसको लगाऊंगा कहाँ पे भाई, इसके लिए सही जगह भी नहीं है। एंड हमको जो ये डर्ट वाला जो पाथ है, आई मीन ये जगह है, उसको रिमूव भी तो करना है ना। तो ठीक है, ये पर लगा कि जो एक मिनट, क्वेस्ट है क्या हमारा? हाँ, हमको टूल्स बनाने हैं। ओके, सारे टाइप्स के एक एक टूल्स बना के है, जो हमारा क्वेस्ट नंबर 3 है, आई मीन पार्ट 3, वो भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। एंड अप करना क्या है वो भी देख लेते हैं। तो डन, ओके भाई साहब, इतने सारे हमारे पास क्वेस्ट आ चुके हैं एंड एक हमको रिवॉर्ड भी कुछ मिला है, तो इसको भी यहाँ से रिडीम कर लेते हैं हम। ओके, तो हमको मिले हैं 3 कोबलस्टोन जनरेटर्स, तो आई डोंट नो कि इसका यूज, ओके हाँ, कोबलस्टोन जनरेटर्स समझ में आ गया, इससे हमको मिलेंगे कोबलस्टोन्स, तो सही बात है, तो इसको लगाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं पे लगा देता हूँ एंड बाद में देखेंगे। तो ये रहे मेरे कोबलस्टोन्स, इनको लेता हूँ मैं हाथ में एंड यहाँ पर फटाफट से लगा देता हूँ। एंड इनका यूज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमको सिर्फ इस पर क्लिक करना है एंड रिमूव करने के लिए बस रिमूव और जनरेटर पर करना है क्लिक, एंड 5 सेकेंड में ये कुछ इस तरह से वापस हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं कोबलस्टोन को। एंड हमको हमारी एक क्वेस्ट भी है, तो हमको 20 कोबलस्टोन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इजी है, बाकी की क्वेस्ट भी देख लेते हैं, साथ ही साथ उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। गैदर ओक लॉग्स 32, भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ओके ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पे ट्री अभी भी बाकी है, तो हमको वहाँ से सैपलिंग तो इजीली मिल जाएंगे। तो सबसे, अरे भाई ये क्या हो रहा है,
शायद कोई ग्लिच हो, प्लीज देर से टूट जाना प्लीज। ओके सही है। और अभी नाइट टाइम भी होने वाला है, तो अभी हम नाइट स्किप करने के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकते। एंड ये भी ग्लिच हो गया अब, आई डोंट नो। वेट, ये क्या? क्या मैं बैन होने वाला हूँ इस सर्वर से? हाँ, एक मिनट मुझे, वेट, देखो वापस से, शायद कोई नोटिस वगैरह कुछ होगा। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा मैं ही बैन हो जाऊंगा। तो फटाफट से देख लेते हैं हमारे क्वेस्ट कहाँ तक पहुँचे। फूड फॉर थॉट, एंड इसके अंदर हमको हार्वेस्ट बीट रूट। ओके, तो इजीली हमारे पास बीट रूट की इतनी खेती पड़ी यहाँ पे, एंड इसको मुझे उगाने और भी एक्सपेंड करना चाहिए ताकि हमारे जो क्वेस्ट है वो भी फटाफट से कंप्लीट हो जाए। एंड हमको 30 बीट रूट कलेक्ट करने हैं आई थिंक। ओके, तो इजीली हो जाएगा, बस इसको ज़रा सा एक्सपेंड करना है। हमारे पास हॉबी पड़ी हुई है, तो इससे हम और भी ज़्यादा क्रॉप्स को अरे भाई मेरे पास बीट रूट ही ख़त्म हो गए। ठीक है, फिर तब तक इसको ये करके रखते, हॉक करके रखते। तो आई डोंट नो इसको हॉ ही बोलते या फिर कोई या फिर आई डोंट नो जो भी बोलते हो। तो इसके बाद मैंने जाकर थोड़ी बहुत और कोबल्ट स्टोन्स को कलेक्ट किया मेरे क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर आपको जनरेटर्स की और भी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप शॉप पर जाकर बाय आइटम्स में आप यहाँ से खरीद सकते हो, अगर आपके पास पैसे हो तो। हमारे पास तो फिलहाल नहीं है, बाद में देखेंगे पैसे आने के बाद। एंड उसके बाद क्वेस्ट, ओके तो क्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हमको बस एक फर्नेस बनाना है, तो ईजीली कम्प्लीट। एंड ये हमारा क्वेस्ट कम्प्लीट हो गया, आई थिंक इसके भी और भी पार्ट्स है, तो ठीक है। एंड उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और कोबल स्टोन को कलेक्ट किया यहाँ पर, एंड जो मेरा क्वेस्ट है कोबल स्टोन वाला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एंड और भी थोड़े बहुत इजी वाले हैं वो भी देख लेते फटाफट से। तो क्वेस्ट में जाएंगे एंड सबसे पहले ये वाला ट्राई करेंगे हमको शायद। ओके, तो लॉक्स को यहाँ पर स्मेल्ट करना है, 5 लॉक्स को हमारे पास इनफ तो है। ओके तो ये रहे लॉक्स, इनको रख देता हूँ इनके अंदर एंड इनको स्मेल्ट होने का इंतज़ार करते, देखते कब तक होंगे। एंड आप देख सकते हो भाई शेडर्स की वजह से जो लाइटनिंग है वो भी, लाइटिंग है वो भी कितनी ज़्यादा सही लग रही है। एंड ओ भाई ये क्या हो रहा है, शायद ये उगे नहीं है अब तक, मे बी आई डोंट नो। और नीचे मत गिर रहा भाई, बहुत मुश्किल से उगाया है मैंने। एंड सही में भाई इसकी जो स्पीड है ना क्रॉप्स उगने की भाई सही में बहुत ही ज़्यादा है, इससे हमारे जो क्रॉप्स है बहुत ही ज़्यादा फटाफट से उग जाते हैं एंड हम अपना काम जो है फटाफट से कर भी सकते इसमें। एंड आई थिंक अब तक स्मेल्ट होनी चाहिए। ओके तो 5 हो गया, अब कर रहे हैं हमको पार्ट 3। आई थिंक अब क्या बचता है, टॉर्चेस ही बनाने पड़ेंगे हमको। यस राइट, हमको 30 टॉर्चेस बनाने हैं यहाँ पे, तो मुझे चाहिए थोड़ी बहुत स्टिक्स आई थिंक। एक स्टिक कम पड़ रही है, ठीक है बस। तो इनसे मैं सारे के सारे जो टॉर्चेस है उनको बना देता हूँ 20 टॉर्चेस। एंड जो मेरा क्वेस्ट है लेट देयर बी लाइट, ये था नाम। यहाँ पर मैंने 30 बीट रूट्स को हार्वेस्ट तो कर लिया है, बट मेरी जो समझ में आ गया, मुझको इनसे बनाना है जो बीट रूट का सूप रहता है, शायद सूप ही बोलते। तो सबसे पहले मुझको ये बनाना पड़ेगा वाटी जो बोलते, और उसके बाद जो बीट रूट सूप हमारा यहाँ पर बन जाएगा। एंड हमारा क्वेस्ट तो एक और बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 3 और लगेंगे ब्लैंक्स एंड इससे हो जाएगी 4 वाटी आएगी और भी। एंड डन, क्वेस्ट हो गया कंप्लीट, यस। एंड अब जो तो डे भी यहाँ पर हो गया है। एंड सही में भाई डे के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ही शेडर्स खतरनाक दिखते, मतलब सही में बहुत ही सही लगते। एंड तो हमको वाटर बकेट भी फाइनली यहाँ पर मिल चुकी है। एंड भाई इस वाटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए वाटर बकेट है। एंड जो हमारा क्वेस्ट है थोड़ा बहुत रह गया, ट्राई करते इसको भी कंप्लीट करने के लिए, हमें सैपलिंग्स की ज़रूरत है, इसको तोड़ देता हूँ फटाफट से। एंड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड देखो मैंने थोड़ी देर पहले कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया था, मेरी डर्टी पूरी की पूरी खत्म हो गई, पीछे मैंने सैपलिंग्स भी लगा दी है वहाँ पे। एंड यहाँ पर आपको भूख लगी तो आप ये सूप भी पी सकते हो या फिर खा सकते हो जो भी हो। एंड यहाँ पे जो हमारा वाटर सोर्स है इसको हमें कहीं और मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था हमको सेकेंड लेयर भी यहाँ पर रिमूव करनी है डर्ट की, तो इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। डर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे,
तो ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सारा नहीं करना आपको, क्योंकि आपको कम से कम एक तो चाहिए होगा वापस इनफिनाइट वाटर बनाने के लिए। एक बकेट तो हमारे पास पहले से है, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं क्लोज करने वाला। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहीं से डिग करूँगा। मेरे पास शॉल भी तो है ना। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसी जगह बना देता हूँ यहाँ पर, जिससे हम वाटर को इनफिनाइट सोर्स यहाँ पे बना सके, एंड बाद में उसको क्लोज कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमको डिग करने हैं चार ब्लॉक्स को कुछ इस तरह से। एक रह गया, एंड हमको जो एक हमारे वाटर बकेट है, कहाँ पे गई वाटर बकेट, ये रही वाटर बकेट, इसको हाथ में ले लेना है एंड इसको ड्रॉप करना है एक कॉर्नर में, एंड वापस से जाकर जो हमने वाटर रखा था। आप बिना क्लोज किए पहले तो वाटर से इन्फिनाइट सोर्स बना लो, एंड बाद में क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर हमारा इन्फिनाइट वाटर सोर्स यहाँ पे बन चुका है, एंड अभी बस हमको रिमूव करना है ऊपर वाली जो सेकेंड लेयर है, ये वाली, इसको रिमूव करना है पूरी तरह से, एंड में मिलता हूँ आपसे रिमूव करने के बाद। तो गाइज डन, देखो एक बार किस तरह से मेरा आइलैंड लग रहा है। मैंने इसको थोड़ा बहुत एक्सपेंड भी किया है। सबसे पहले मुझे कुछ खाना है, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, कहीं मैं भूख से ही ना मर जाऊँ। तो ठीक है, हमारे पेट भी भर चुके हैं, एंड सही में भाई बहुत ही सेफ फूड है ये तो। एंड अभी हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमारे जो चीज़ें थी उनको वापस से लगा देना है कुछ इस तरह से। सबसे पहले कॉबलस्टोन जनरेटर को यहीं पर लगा देते हैं, एंड अभी बस सेपलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो हमारा क्वेस्ट है लास्ट वाला जो बचा है उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़े बहुत हमको और भी लॉक्स की ज़रूरत है, एंड इसका हम बाद में देखेंगे। वो भी एक क्वेस्ट है जो शॉप को हमको मूव करना रहता है, एंड वापस से काम को लग जाते हैं। अब वैसे हम कॉबलस्टोन का करेंगे क्या? अरे भाई, मुझे सबसे पहले इसको रिमूव करना है, कई बाद में पता चले कि इसी की वजह से मेरी जो सेपलिंग्स है वो ग्रो नहीं हो रही। इसको फटाफट से रिमूव करके कहीं और प्लेस कर दूंगा, एंड क्या बकेट से नहीं होगा रिमूव? ठीक है, हमारे पास डर्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम कहीं और लगा देंगे जिससे, ओके तो यहाँ पे लगा देती, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। एंड बस आज के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर दी हमने उस आइलैंड का, आई डोंट नो, बट नेक्स्ट एपिसोड में हम पक्का जो सेकेंड आइलैंड है उसको अनलॉक करेंगे, एंड ये जो पीछे वाला आइलैंड है इस पर भी जाने का ट्राई करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ मुझको आपको बतानी थी मल्टीप्लेयर के बारे में, आप ओके मैं डर ही गया था भाई क्या आ गया। तो मल्टीप्लेयर के बारे में मुझको आपको बताना है कि हम आगे सब्सक्राइबर्स के साथ भी इस वर्ल्ड में खेलेंगे, जिसमें आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, एंड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस है सबके लिए, जिसको भी इस वर्ल्ड में आ रहा है उनको अपनी वॉइस रिवील करनी पड़ेगी, ताकि जो देखने वालों को भी मज़ा आ सके। एंड बस आप डिस्कॉर्ड में जाकर जो क्यूब क्राफ्ट का जो चैनल है वहाँ पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पे सारे रूल्स और बाकी की चीज़ें बताई है, एंड टाइम बाय टाइम जैसे मैं इसको अपडेट करता रहूँगा। तो कोई नहीं, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो या फिर पुराने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।